हरियाणा के नुहू मेवात पहुंची सुनैना चौटाला। आपको बता दें कि सुनैना चौटाला मंगलवार को नुहू पहुंची। सुनैना चौटाला ने नुहू अनाज मंडी स्थित कार्यालय पर इनेलो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी 31 दिसंबर को चीन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए महिलाओं कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने कहा है कि नुहू आने पर अपार प्यार मिला है, महिलाएं काफी दिखाई दी हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान महिलाओं से घरों से बाहर निकलकर आने की अपील की थी, उसका असर आज दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी की समस्या बड़ी है, खासकर नुहू मेवात के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इलाके के साथ अनदेखी हुई है, भाईचारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसे टूटने नहीं देंगे, सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। हर क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ती जा रही हैं, स्थिति को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सुनैना चौटाला ने कहा कि अफसोसजनक बात है, 31 जुलाई को जो नुहू शहर में शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं ने ठाना है कि इस इलाके के माहौल और भाईचारे को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेवात के लोग अपने आप को अकेला व पिछड़ा महसूस न करें। सुनैना चौटाला ने कहा कि महिला आक्रोश सम्मेलन में बेरोजगारी व महंगाई के साथ साथ मेवात में शिक्षा व्यवस्था काफी बदहाल स्थिति को लेकर बातचीत हुई। आगामी 31 दिसंबर को जींद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुनैना चौटाला ने कहा कि 3 राज्यों में जो भाजपा सरकार बनी है उसमें बीजेपी की उपलब्धि से ज्यादा कांग्रेस का फेलियर रहा है। कांग्रेस में फूट व लड़ाई ज्यादा है, जनता की लड़ाई लड़ने की बजाय कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं और जनता इस लड़ाई में पिस रही है। इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने कहा है कि हरियाणा चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश में ऑप्शन बनेंगे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात के नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी हम नू आए हैं तब तब हमें अपार प्यार प्रेम जो महिला शक्ति ने निरंतर दिया है उसके लिए मैं बहुत खुश। और जब परिवर्तन यात्रा के दौरान हम आए थे तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सब लोग भी बाहर आए, अपनी आवाज को बुलंद करें। तो जो आज मैंने देखा कि उस बात का बहुत बड़ा असर है और आज महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। आज महिलाएं किस दौर से गुजर रही हैं और सरकार देखिए, आज महिला शक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। और वहीं एक और खास करके नू और मेवात के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पे जो सरकार ने अनदेखी कर रखी है, एक भाईचारे को तोड़ने की तैयारी है, उसके लिए महिलाओं ने ये बीड़ा उठा लिया है कि हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे और मजबूती से आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। हर क्षेत्र में जहाँ पे भी हम जा रहे हैं महिलाएं निरंतर एक साथ इकट्ठी होकर जुड़ती चली जा रही हैं, क्योंकि आज ऐसी स्थिति हमारे सामने आ चुकी है कि जिसमें हमें उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा और एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने नू हिंसा का भी जिक्र किया, देखिए वो बहुत ही एक अफसोसजनक बात थी। हमने बहुत परिवर्तन यात्रा के दौरान जब ये हुई तो हमने आने की कोशिश की, लेकिन सरकारी तंत्र ने हमें रोक दिया कि आपको नहीं आना, नहीं तो माहौल बिगड़ जाएगा। हम अपने भाईचारे का माहौल बिगाड़ना नहीं चाह रहे थे। मैंने फोन पे बात की और शहनाज से भी पूछा और भी मेरी बहनें जिसका नंबर था कि कैसे हैं आप। मुझे पता चला हालात तो बहुत खराब हैं और खास करके जो मेरे भाई थे वो बहुत डरे और घर छोड़ छोड़ के निकल गए थे। तो हमने एक चीज सोची मन में कि हम जब भी परमात्मा मौका देगा, जनता मौका देगी, हम इस भाईचारे को हमेशा कायम करने के लिए एक मजबूती प्रदान करेंगे नू और मेवात को, ताकि वो अपने आप को अकेला पिछड़ा हुआ कहीं से भी महसूस ना करें। 31 दिसंबर को एक हम महिला आक्रोश सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मेन कारण रहेगा कि आज के समय में जो बेरोजगारी, जो हमारे बच्चे आज सुबह उठते, एक माँ के लिए सबसे बड़ी समस्या,
वही जो महंगाई आज आप देखेंगे चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। वही तीसरी समस्या मेवात में तो स्कूल नाम की चीज नहीं। मैंने अपने अपने भाषण में कहा कि एक बच्ची ने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की और सुरक्षित ना होने के कारण जो माहौल यहाँ पे दिया जा रहा है सुरक्षा का उसकी वजह से उसने अपनी पढ़ाई को रोक दिया। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आने वाले समय में हम इस चीज के ऊपर ध्यान करेंगे और इन तमाम चीजों के एजेंडे को लेके हम जो 31 दिसंबर को जींद में प्रदर्शन करेंगे वो सरकार की जड़ें हिला देंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जो 3 राज्यों के रिजल्ट आए हैं वो भाजपा की उपलब्धि से कहीं ज्यादा कांग्रेस का फेलियर है। कांग्रेस की जो आपस में फूट है, जो उनकी आपस की लड़ाई है, इसमें जनता कहीं ना कहीं पिस गई। जहां तक बात हरियाणा प्रदेश की है तो राजस्थान में तो ऑप्शन नहीं दिख रहा था, लेकिन हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा ऑप्शन अभय सिंह जी चौटाला है, जो ना केवल कांग्रेस की नीति पे चलते हैं। कांग्रेस ने तो सिर्फ एक चीज का एजेंडा बना रखा है इनके नेताओं ने, वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ते। वो कहते हैं कुर्सी किसको मिले, वो कुर्सी की लड़ाई में, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला जनता की लड़ाई के लिए निकले परिवर्तन यात्रा की, और अब हम जनता की ही लड़ाई के लिए 31 दिसंबर को जो सम्मेलन करेंगे उससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये नतीजे कोई मायने नहीं रखते दूसरे स्टेट के लिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमेशा से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का क्षेत्र रहा है और यहाँ पे उन्हीं की पार्टी का परचम ले रहे हैं। 31 तारीख की आपकी रैली में महिलाएं, ये तो आपको मैं निमंत्रण देती हूँ, आप वहाँ आए, कवरेज करें, लाखों की संख्या में आपको महिलाएं।